जय हिंद बच्चों, आज हम मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है? ऐसी संख्याएं जो एक से भाग हो और स्वयं से भाग हो, अपने आप से, एक और उस संख्या के बीच में कोई और कोई संख्या ऐसी ना हो जिसके पहाड़े में वो संख्या आती हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यहाँ पर भी हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इस तरह से ये निशान, कई बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, ये एलसीएम नहीं होता है, इसे गुणनखंड करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम इसे 140 लिखेंगे यहाँ पर जो संख्या है, और देखिये यहाँ जीरो है, ये पांच से भी भाग हो सकती है, पांच एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है मैं बता दूं आपको। अभाज्य संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहली अभाज्य संख्या दो होती है। ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो समसंख्या भी है, समसंख्या भी है और साथ के साथ अभाज्य संख्या भी है। दो, तीन, फिर पांच, चार नहीं होगी क्योंकि चार दो के पहाड़े में आता है, उसके बाद छह नहीं होगी, सात होगी, आठ नहीं, नौ नहीं, दस नहीं, सीधा ग्यारह, बारह नहीं, फिर तेरह, उसके बाद में सत्रह, उसके बाद उन्नीस, और इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे। ये सभी हमारे पास में अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक बात आपको ध्यान रखने की है, जब भी कभी हम इस तरह से टुकड़े करते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही भाग करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दो से भाग नहीं हो रही है तो आप उसे चार से भाग करने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि वो दो से ही भाग नहीं हो रही है। इस वजह से केवल अभाज्य संख्याओं को ही हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, दो से अगर मैं इसे भाग करूं तो दो सत्ते चौदह और जीरो का जीरो, सत्तर दुनी 140 होते हैं। फिर मैं दो से करूंगा, दो तीया छह, इसमें से एक बच गया, इसके आगे लग गया, दस बन गया ये, दो पंजे दस। अब इसमें से पांच से कर देता हूं, पांच सत्ते पैंतीस और ये यहां से आ गया सात एकम सात। तो आप इसे अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो दो गुना पांच गुना सात, और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आपके पास में 140 आएगा। देखिए किस तरह से, पांच दुनी दस आपके अपने हाथ में रखिए और सात दुनी चौदह, पांच दुनी दस और सात दुनी चौदह, चौदह धाम 140 होता है, हो गया। अब हम इस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 156। इसको मैं दो से कर सकता हूं क्योंकि यहां जब भी कभी इकाई अंक पर हमारे पास कोई सम संख्या होती है तो वो दो से भाग हो जाती है। दो, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना रखा है कि विभाज्यता के क्या नियम होते हैं, कोई संख्या पूरी तरह से किसकी संख्या से भाग हो सकती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा प्लीज। तो दो सत्ते चौदह, एक इसमें से बच गया क्योंकि चौदह लिया हमने, एक इसमें से बच गया, सोलह बन गया ये, दो अट्ठे सोलह। अब देखिए फिर दो से, दो तीन छह, इसमें से एक बच गया, इधर लग गया, अठारह बन गया, दो नीम अठारह। अब ये तीन से जा सकता है, तीन एकम तीन और तीन तीया नौ, और अब ये फिर तेरह से जाएगा, तेरह एकम तेरह। तो हम यहाँ लिख देंगे दो गुना तीन गुना तेरह, और इसको हम गुना करेंगे तो आपके पास 156 आएगा। आप इसे कर खुद भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको भी मैं इस तरह से गुणनखंड करूंगा 3825 का। इकाई स्थान पर पांच है इसीलिए ये पांच से भाग हो सकता है। अब हम इसे पांच से भाग कर देते हैं, पांच सते पैंतीस, देखिए पैंतीस तीन बच गया, इसके आगे लग गया, ये बन गया बत्तीस, पांच छह तीस, बन गए बच गया कितना, दो, दो इसके आगे लग गया, पच्चीस बन गया, पच्चीस। अब हम फिर पांच से करेंगे, पांच एकम पांच, इसमें से दो बचा, इसके आगे लग बन गया, ये बन गया छब्बीस, पच्चीस, एक बच गया, इधर लग गया, कितना बन गया, ये बन गया आपके पास में पंद्रह, और पांच दिया पंद्रह। देखिए मुझे सत्रह का पहाड़ा याद आ रहा है कि सत्रह निमा 153 होता है, ठीक है। और आप इसे तीन से भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए तीन का एक रूल होता है कि जब संख्या अंकों को जोड़ दीजिए, तीन और एक चार और पांच नौ हो गया, नौ तीन के पहाड़े में भाग होता है, इसलिए ये भी संख्या तीन से भाग हो जाएगी। मैं तीन से कर देता हूं इसको, तीन पंजे पंद्रह और तीन एकम तीन, और देखिए फिर से तीन से क्योंकि पांच और एक छह, छह भी तीन के पहाड़े में आता है, तो देखिए तीन एकम तीन कितना बच गया, दो बच गया, इसके आगे लग गया, इक्कीस बन गया, तीन सत्ते इक्कीस। और देखिए मैंने कहा था ना सत्रह का पहाड़ा मुझे याद आ रहा है, सत्रह निमा 153 होता है, तो हमने सत्रह से कर दिया। अब मैं इसको भी इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे ये लिखा हुआ है, पांच गुना तीन गुना तीन गुना सत्रह, और हमारे पास क्या आ गया 3825 हमारे पास संख्या आ गई। आप इसे गुना भी कर देख सकते हैं। इस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5005 को अगर हम करेंगे किस तरह से करेंगे, सबसे पहले पांच क्योंकि इकाई अंक पर पांच से करते हैं, पांच एकम पांच, जीरो जीरो और पांच एकम पांच, ठीक है। अभी हम इसको किससे करते हैं, ये पांच से जाएगा, दो से नहीं जाएगा, तीन से भी देख लेते हैं, एक और एक दो होता है, तीन से नहीं जाएगा, चार से भी जाएगा नहीं क्योंकि दो से नहीं गया, फिर हम इसे पांच से हम नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक पर एक है, छह से हम करेंगे नहीं, सात से एक बार कोशिश करते हैं करने की, सात एकम सात, सात से एक बार मिटा देंगे, सात एकम सात, तीन बच गया, इसके आगे लग गया, तीस बन गया, सात चौक अट्ठाईस, दो बच गया, आगे लग गया, बिल्कुल कट गया, और ये बन गया आपके पास में सात तीया इक्कीस,
तीन आएगा यहाँ पे, सात या 21 होता है, तो सात एकम सात, तीन बच गया, चेक कर लेते हैं, और 30 हो गया ये, सात चौक 28, दो बच गया 21, सात या 21 होता है। अब 143 किससे जाएगा, तो 143 के लिए हम सात से दोबारा से चेक करें, सात से नहीं जाएगा। उसके बाद मैं इसे आठ से नहीं करूंगा क्योंकि दो से नहीं जा रहा, नौ से भी नहीं करूंगा क्योंकि तीन से भाग नहीं हो रहा, दस से नहीं करूंगा क्योंकि इकाई अंक पे जीरो नहीं है, ग्यारह से भाग करके देखता हूँ। ग्यारह से मैंने भाग किया, ग्यारह एकम ग्यारह, इसमें से मैंने ग्यारह ले लिया, अब इधर तीन बचा, तीन इधर से चला गया, तैतीस बन गया, ग्यारह तीन तैतीस, बिल्कुल ग्यारह से चला गया, और फिर तेरह से किया, तेरह एकम तेरह। तो मैं इस गुणनखंड को देखिए, सारे अभाज्य गुणनखंड अलग अलग है, इस तरह के गुणनखंड आ सकते हैं आपके, है ना, पेपर में आपके, पांच गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह, तो आपके पास में आएगा 5005। आप इन्हें अभाज्य गुणनफलों, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7429। अब इसे हम पहले 7 4 11 12 13 13 और 9 कितने होते हैं 22, तो तीन से नहीं जाएगा ये, दो से वैसे ही नहीं जाएगा, इकाई अंक पर है, तो हम इसे चार से भी नहीं करेंगे, पांच से भी नहीं करेंगे, छह से सात से, सात से एक बार करते हैं, सात एकम सात और जीरो, फिर सात छह 42, सात से भी नहीं जाएगा, आठ से नौ से दस से नहीं करेंगे, ग्यारह से करते हैं, ग्यारह छिक 66, 66 में से फिर कितना बच गया ये हमारे पास, ग्यारह छिक 66, ग्यारह से भी नहीं जाएगा ये। आप देखिएगा इसको, ग्यारह का एक रूल होता है, इनको जोड़कर जब आप चेक करेंगे तो ग्यारह से इकाई, इसको इसको जोड़ना होगा, इसको इसको जोड़ना होगा, आपस में घटाना होगा, अगर वो ग्यारह के पहाड़े में आता है तो वो ग्यारह से जाएगा। तेरह से करेंगे, ये तेरह से भी नहीं जाएगा, चौदह पंद्रह से करना नहीं है, सत्रह से तेरह से करके देखते हैं एक बार, सत्रह का 68 होता है, चार बार में जाएगा, सत्रह चौका 68 हमारे पास में यहाँ पर दो बच गया, सत्रह चौका 68 दो बच गया, दो और चार छह बच गया, छह इसके आगे लग गया, अभी हमारे पास में 62 बन गया, सत्रह एकम सत्रह, सत्रह दूनी चौतीस, सत्रह तीन इक्यावन, और 51 आ गया इसमें से, 62 में से मैंने 51 ले लिया, 9 बच गया, 51 मैंने ले लिया तो मेरे पास में 9 और 2 11 बच गया, 119, और 17 सत्ते 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 437 मेरे पास में आ गया। तो अब ये 17 से नीचे तो कहीं भी नहीं जाएगा, एक बार मैं इसे 17 से चेक करूंगा, अदरवाइज फिर मैं इसे आगे की संख्या से चेक करूंगा, तो 17 दूनी 34 तो मेरे पास बच जाएगा ये कितना, तीन इसमें से बच गया और छह उसमें से, छह और तीन बन गया 9, नहीं जाएगा 17 से। 19 से करके देख ले एक बार, 19 से कम 19 दूनी 38 मेरे पास क्या बच गया, 19 दूनी 38, तो तीन इधर से और दो उधर से, पांच बच गया, और 17 तिया 19 से कम 19 तिया 57 होता है बिल्कुल, और अब हम इसे 23 से कर देंगे, 23 एकम 23। तो देखिये इसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह के हैं, 17 गुना 19 गुना 23। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिए, आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अभाज्य गुणनखंड संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से ही उसके टुकड़े करने हैं, बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। आशा करता हूं छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, ख्याल रखिए।